अशोकनगर के मुगलाई में कल सीएम शिवराज मंच से सरकार के कामों का बखान कर रहे थे। ज्योतिराज सिंधिया सीएम शिवराज की पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे को लेकर सीएम से मिलने की जद्दोजहद कर रही थी। अपने बेटे को गोद में उठाकर वो सीएम के पास जाना चाहती थी। इसको लेकर यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों से वो फरियाद करती रही, लेकिन पुलिस वालों ने इस बुजुर्ग की एक नहीं सुनी। महिला का आरोप है कि पुलिस वालों ने इसे लात भी मारी। नानन खेरी से आए भैया, जमीन थी जाम ब्याज का, ये ऑपरेशन होगा गड्डी को, 5 साल होगा यहाँ हम पैसा करो तो भैया अब कुछ खावे को नहीं है, गरीब आदमी मजूरी करे कर जाए पाल कर रहे हैं, बैठे बैठे का करे। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, आप उन्होंने आपकी बात सुनी? हाँ, कुछ ना कुछ कारण देता हूँ मेरा। अभी जब आप उनसे मिलने आ रही थी, हाँ, आपको पुलिस वाली लातों से रोक रहे थे? हाँ, हाँ, हम इस बुजुर्ग महिला की माने तो उसका बेटा 5 साल पहले पेड़ से गिर गया था, जिसके बाद उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बेटे के इलाज में महिला ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक एक पैसों की मोहताज इस गरीब महिला को जब कहीं से मदद नहीं मिली तो वो सीएम से मिलने पहुंच गई, लेकिन वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस अधिकारी ये मान रहे हैं कि सुरक्षा की वजह से महिला को रोक दिया गया, लेकिन इसके साथ अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। ये अभी मुझे मीडिया ने मेरी संज्ञान में मामला लेकर आए हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पर पुलिस बल लगा हुआ था, क्योंकि वो सीएम साहब की एंट्री का मेन गेट था, तो वहाँ पर सुरक्षा की लिहाज से पुलिस बल लगाया गया था। उनके द्वारा उस महिला को सिर्फ रोका गया है, इस तरीके किसी भी बर्ताव उस महिला के साथ नहीं किया गया है। और आपके द्वारा ये मामला अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो मैं इस मामले को और दिखवा लेती हूँ, जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो उसको कानूनी कार्रवाई। तमाम कोशिशों के बावजूद ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ सीएम शिवराज से नहीं मिल पाई और बहुत नाउम्मीदी के साथ सभा स्थल से चली गई। अगर सीएम शिवराज के पास महिला चली जाती तो शायद मामा उसकी मदद कर देते, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस कर्मियों ने महिला की मदद की उम्मीद पर ग्रहण लगा दिया। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, MP तक।